Credit24 वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए हैं। पहले क्या था कि प्ले स्टोर पर था, बस उसके बाद गायब हो गया। प्ले स्टोर पर अभी देखिएगा तो कहाँ मिलेगा आपको। हाँ तो वो क्रेडिट ओ ट्वेंटी फोर वो, हाँ तो वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए हैं। उसका आपको रिपेमेंट नहीं करना है, वहां पर डरने की कोई भी बात नहीं है, कुछ करता नहीं है, बस डराता है धमकाता है सब, ठीक है ना। ना ना घर पर नहीं आता है सब, केवल देखिए क्या करेगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करेगा, धमकी देगा, बस यही काम करेगा, घर पर नहीं आता है। अच्छे काम है। मैं ओ मिल आए हैं मुझे। वो कल घर को आ जाते हैं हमारे, वो मिल आया। ना ना घर पर नहीं आते हैं। देखिए ऑलरेडी वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, फेक एप्लीकेशन है, उसके प्रति खुद FIR होगा तो कहाँ से घर पर आएगा। वो आपको डरा रहा है सब, समझ गए। रिपेमेंट आप मत कीजिएगा। वो प्ले स्टोर में भी नहीं है ना यहाँ पे। ना ना देखिए पहले पहले प्ले स्टोर पर था, उसके बाद गायब हो गया, समझ गए, हट गया प्ले स्टोर, उसको रिमूव कर दिया फ्रॉड एप्लीकेशन होने के कारण। हाँ तो रिपेमेंट मत कीजिएगा। मैंने क्या किया मालूम है कि मैंने ट्रू कलर में जो स्पैम नंबर से जो हमारा नया हमारा कॉन्टेक्ट में जो नंबर नहीं है ना, वो कॉल्स ब्लॉक होने के लिए मैंने चेक किया है ट्रू कलर में। फिर रोज 10-15 कॉल्स आ जाते कॉल्स में। नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ब्लॉक कीजिए। कितना दिन हुआ अभी? अब तो 6 डे के पेमेंट का दिन है कि 4 6 डे। हेलो, अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए पर बात विचार हो गया, कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेक्निकल जीपर है, उस पर आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा टाइम पे टाइम, क्योंकि व्हाट्सएप है तो समझ रहे कितना मतलब आसान रहेगा भाई, टाइप अप कर कर मतलब कि डालते रहना, ये एप्लीकेशन का, ये एप्लीकेशन का रिकॉर्डिंग, वो एप्लीकेशन का। तो एक और बढ़िया काम हो गया भाई, टेलीग्राम से और अच्छा हो गया भाई, व्हाट्सएप जो चैनल आ गया है वो और अच्छा हो गया भाई यहाँ पर। तो उसको जरूर आप सब्सक्राइब, पहले क्या था कि जो बड़े बड़े लोग थे उसी को केवल मिल रहा था, अब जैसे छोटे लोग को नहीं, लेकिन सब लोग आप खोल सकते हैं। हेलो हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ भैया, हाँ नमस्ते हाँ भैया। भैया बढ़िया बढ़िया, बताइए। इन्होंने तो लुंग का लगा रखे है, कॉल पे करके। अभी सौ अच्छा, सौ कॉल होते हैं। सौ सौ कॉल आ जा रहा है अभी आपके पास? हाँ कुछ तो मैंने ब्लॉक भी मारे, 100 150 150 हो जाते हैं। एक ही नंबर के साथ 7 8 8 बार भी करते हैं, मैसेज भी कर रहे हो। अगर वैसे लगाओ तो 150 नायरा ये सब लिखे हुए यूट्यूब पे, नायरा मनी व्यू ये सब आ रहे लिखे हैं। इन्होंने एक दो जगह पता नहीं कौन सी कंपनी ने एक दो जगह फोन घुमाया भी है। लेकिन नावी और लेसी पे का तो पहले मंथ की बाउंस हुई है, और पेटीएम पर्सनल लोन और मनी व्यू ये सब लोनों की दो दो बार की हो गई है, दो दो महीने हो गए। नहीं तो हम सोचे कि इतना दिन हो गया तो कुछ कॉल कॉल किया होगा, लेकिन अभी भी वैसा ही जारी है ये सब का। नहीं वैसे जा रही, बीच में तो कम हो गए थे, अब बीच फिर में? से चालू हो अच्छा बीच गया। में, अभी कितना दिन से चालू हुआ है सब? 2 या 3 अच्छा, दो ये मान लो, दो 3 दिन से ज्यादा दो आगे। तीन दिन से ज्यादा हुआ है। तो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा इसमें से कौन कर रहा है कॉल? ये तो नहीं पता कौन कर रहा है, ज्यादा सारी कर रहे हैं, भरे भर के ही कर रहे हाँ हैं। हाँ वो तो आप कॉल को उठाएंगे तब तो पता चलेगा कौन सा एप्लीकेशन कैशी 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 ट्रू बैलेंस
नायरा सबके यार हैं, इसका नाम लू किसका ना लू, दादा स्पम कैशी प्रो और स्पम अलग नंबर से व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं क्या, तो वही है एक तो भर दो पेमेंट कर दो व्हाट्सएप पे, जैसे पेटीएम पर्सनल लोन वाले पे आया है। नहीं तो ये सब का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गए, ये इनका काम ही है कॉल करना ब्लैकमेल करना, पहले भी हम कह चुके हैं, समझ गए, इनका काम ही है ये चीज करना, इनका काम ही है। रिगार्डिंग ये आया मैसेज रिगार्डिंग योर पर्सनल 2 मंथ्स इमेज यू ऑफ योर सो प्लीज मेक योर पेमेंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट। अच्छा आपके पर्सनल लोन की 2 मंथ इमेज ड्यू है, इससे कम से कम एक तो पे करो वरना आप जितने लेट करोगे उतनी पेनल्टी एंड ऐड होगी और सिविल खराब होगा। नहीं देखिए सिविल एक टाइम के लिए खराब रुक जाता है, समझ गए, कम करता है ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, उससे ज्यादा कम नहीं कर पाता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका सिविल 0 हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। सब एप्लीकेशन का लिमिट होता है कितना इतना इधर कब होगा, उसके बाद थोड़े ना मतलब कि कम होता है। सिविल के आधार पर लोन देता है तो आपका सिविल खराब करेगा, लीगल एक्शन थोड़े ना लेगा। लीगल देखिए इतनी कॉले आ रही है इन्होंने तो कहीं ना कहीं और भी करी है सुनने में आई है, फिर उन्होंने मेरे भैयाओं के पास भी कर दिया कॉल। नहीं तो करते हैं, बोले नहीं ये कॉन्टेक्ट लिस्ट पर करते हैं तो करते हैं, ये सब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर तो करते हैं, ऐसे आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है सब, समझ गया ना, पूरा हरासमेंट करने के बाद ही पीछा छोड़ता है सब। तो फिर कैसे बचे थोड़ा सा सोर? अब इसका क्या है बचने का, मतलब कि यही है कि मतलब कि ऐसे इग्नोर कर, जैसे हम कैसे इग्नोर करते हैं, अब उतना कॉल हम पर नहीं आता है, समझ गए, ज्यादा से ज्यादा कॉल आता होगा उस सिम पर तो हम तो काफी एप्लीकेशन से लिए, ये नहीं है कि चुन चुन कर। हाँ ऐसे अजीबो गरीब मतलब कि नाम लिखा हुआ ट्रू कलर पर देखेंगे तो आएगा। तो हाँ तो क्या है कि अब ज्यादा से ज्यादा कॉल यही है कि 5 आ जाता है 4 आ जाता है, समझ गए, दिन भर में। नहीं तो पहले क्या था कि हमारा भी यही हाल था, 100-100 आ रहा था, 150-150 कॉल आ रहा था, समझ गए, एक जा रहा था तो एक कॉल आ रहा था, एक जा रहा था तो एक कॉल, लेकिन ट्रू कलर से था तो सारा चीज ब्लॉक होते जा रहा था, ब्लॉक होते जा रहा था। तो यही है मतलब क्या अभी कर दी, अब तो मतलब पहले से जा रहा था, अब परेशान होता हूँ मैं, डेढ़ दो दो महीने हो गए ना, 2 महीने तो हो गए, 3 महीने तक निकाल लो तो फिर ये क्या करेंगे, 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो, 3 महीने पूरे हो जाएगा तो, 3 महीना पूरा हो जाएगा तो ही मतलब क्या है कि अब बोलेगा मैसेज के थ्रू बोलेगा कि आपके घर पर आ रहे हैं, यही कर सकता और क्या कर सकता है, समझ गया ना, तो सबका वही हाल है, समझ गए, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है। आवाज आ रही है आपको? हेलो दोस्तों, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है, चलिए यहाँ पर बात है, यहाँ पर कहते कुछ नहीं होगा इनका, चाहे जितना डराए, यस यही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ होता नहीं है भाई, फ्लिपकार्ट के बारे में मेरा प्रॉब्लम है भाई। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कि ये चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब सपोर्ट वपोर्ट आप लोग यहाँ पर मतलब कि दिखाइए। चलिए कॉल लगाते हैं, देखते हैं कॉल उठाते हैं नहीं उठाते यहाँ पर। चलिए हाँ भाई बोलिए,
दोस्तों यहाँ पर कट चुकी कॉल, दोबारा इधर से हम ट्राई करते हैं, देखते हैं लगता है नहीं लगता है। हाँ भाई बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ ऐसे ऐसे कॉल आ ही जा रही है, अनलिमिटेड कॉल आ रही है, मतलब 150-200 उसके हाँ हाँ तो इनका यही काम है, समझ गया ना, इनका यही काम पहले है। सबसे ज्यादा हरेसमेंट अब हो रही है, मतलब पहले तो पहले फिर भी क्या है, लेकिन अब तो अब भी बहुत आ रहे हैं, अब तो हम और अप करते हैं। हाँ तो कॉल ज्यादा करता है सब, समझ गए। हम पर भी पहले कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि मतलब कि कॉल नहीं आता है उतना, पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। क्योंकि इनकी कॉल उठाओ तो रिकॉर्डिंग करेंगे तो भी दिक्कत, उसमें रिकॉर्डिंग करेगा कितना कितना है कि कॉल उठाइएगा तो बुलवाएगा कि आप बोल दीजिए कि लोन लिए हैं, बात है कि रहे। वो बुलवाएगा तो फिर वो सब जगह भेज सकता है, सबूत वहीं वगैरह। आपका रिकॉर्डिंग लेकर सभी कॉन्टेक्ट पर भेजेगा, उसी के बलबूते पर आपको डराएगा, धमकाएगा, ब्लैकमेल करेगा, यही ना कर सकता है। तो वही चीज, मैंने एक चीज होने तो नहीं दिया, अभी तो मैंने कॉल उठाया ही नहीं है, एक दो पे करा है बस, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने ये बोला ही ना है कि मैं लक्ष्य को बोल रहा हूँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं है बात, उस दिन मैंने कहा ना कोई और बोल रहा हूँ कुछ भी है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं कि हम आप मम्मी को कॉल कर। नहीं वो, हाँ वो सही बोले, वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, समझ गया ना, वो रिकॉर्डिंग तो करता ही है, कर क्या सकता है, वो करता ही रिकॉर्डिंग। हाँ अब ज्यादा वो दिक्कत हो रही है, मतलब अब ज्यादा, मतलब अब तो इतने कॉल आ रहे हैं जितने स्टार्टिंग में भी नहीं आए, क्योंकि अब लेजी पे के भी बढ़ गया, पहले तो 4-5 का था ना, सही बोले। फिर अब लेजी पे की भी और नावी, लेजी पे नावी की हुई है, एक मिनट से एक्सेलेन दोनों की नहीं। तो ये चीज हाँ तो देखिए सबका वही हाल है, समझ गया ना, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है सबका तो वही हाल है, सब तो एक ही रूल पर चलता है, सिविल पर लोन देगा तो सिविल पर, सिविल खराब करेगा आप सिम तोड़ दूं तो भी सही नहीं है। सिम तोड़ दीजिएगा तो उसमें आप ही का दिक्कत है वो, समझ है। मान लीजिए नंबर सबके पास है तो नंबर चेंज, ये चेंज, बात एक नहीं, उसमें आप ही को दिक्कत है। सिम बंद कर दूंगा तो किसी कॉल करेगा, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, उस दिन जो मेरे पे कॉल आई थी उसने मेरे मम्मी को कॉल से मिला दिया, मतलब धमकी दे रहा था कि तेरे पापा को कॉल मिलाऊंगा, तो कॉल नहीं मिलाया, कैसे रुक गया हूँ। आपको समझ नहीं आई वो मिला, हाँ तो वो आपको केवल धमकी दे रहा था, समझ गए। लेकिन वो जब इतना कर सकता है, इधर भी बना सकता था, एक बार उसे घुमा तो सकता था। हाँ जिसमें नंबर नहीं था ये भी हो सकता है, नंबर नहीं होगा उसके पास, नंबर नहीं होगा उसके पास। अगर अगर मैं ढूंढता हूँ कॉन्टेक्ट लिस्ट मेरी, तेरे पास मेरे पास सब पूरी की पूरी, करता हूँ मैं अभी कॉल, तो किसने करा ही नहीं कॉल, उसके बाद अभी तक तो कॉल आया है इतने दिन हो गए। हाँ तो वही है, उसके पास नंबर नहीं होगा, आपको डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा काम किया। अच्छा हाँ 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 वही बात है, मैंने गाली भी दी उसके बाद, उसने ना करा, चलिए तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझिए ना। मैं नोटिस भी दे रहे हैं नायरा वाले, तो ये लिख रहे हैं, लेकिन नायरा में जो मैंने एड्रेस गया वो गलत गया, मैं मेरा आधार कार्ड के थ्रू से एड्रेस था, उस थ्रू से एड्रेस गया हुआ है। अच्छा अच्छा मैं भेज रहा था। तो इन पर किसी भी आधार कार्ड का एड्रेस तो गया ही नहीं होगा, तो गया होगा नावी वगैरह पे? ना ना नहीं गया होगा, ठीक है ना, ये ज्यादा हाँ सारे का एड्रेस ना गया होगा। और मतलब ऐसे चलिए और सब ठीक है ना और तो बस भैया दिमाग जाना होगा, नहीं वैसे मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इनके कॉल इतने आ रहे हैं ना, अनलिमिटेड हो रहे हैं, तो कॉल तो आएगा ही, कॉल तो आएगा, इनका काम ही है कॉल करना, हरासमेंट करना। मेरे नंबर पे इतने ब्लॉक मार दिए, 400-500 में ब्लॉक मार दिए, लेकिन इसके बाद भी आ रहे हैं। जितना जितना भी ब्लॉक मारिएगा सबका वही हाल है। जिनकी गलती ना है, नहीं एक जो कंपनी वाले वही कहते हैं कि कर इनको कॉल कर, कॉल कर,
ऐसे भी तो होगा, वही प्रेशर डालता होगा। देखिए प्रेशर डालता होगा कि कैसे ना कैसे हमको चाहिए पैसा, समझ गए। चाहे ये सबको लालच दे, पैसा का लालच दे, चाहे धमकी दे कि आप मतलब कि इससे बाहर निकल जाइएगा, हमारे कॉन्टेक्ट से बाहर निकल जाइएगा, यही करता होगा। चाहे लालच देता होगा सब, तो अपने लालच में कमीशन के चक्कर में लोगों को हरासमेंट करना, ब्लैकमेल करना, काम करता है सब। अच्छा भैया एक बताओ, जो एजेंट का है इनका जो होता है, ये मेन जो इनपे एड्रेस नहीं तो आएंगे कहाँ पे, जो आधार कार्ड वाले इनपे एड्रेस नहीं पहुंचेगा तो ये आएंगे? ये जो करेंट एड्रेस आप दिए रहते हैं एप्लीकेशन में, हाँ, उस एड्रेस पर आता है सब। अब अगर ये चीज जाननी हो तो कौन कौन से एप्लीकेशन से करेंट एड्रेस है तो क्या चलेगा? अब देखिए वो उस एप्लीकेशन में डिटेल शो करता है या नहीं करता है या अपलोड हो गया है, सबका सब एप्लीकेशन का अलग अलग ना होता है, बात एक नहीं। कोई एप्लीकेशन का सेव करने का दूसरा सिस्टम है, उसका दूसरा सिस्टम है, तो सबका अलग अलग रहता है। किसी किसी एप्लीकेशन में शो करता है, किसी किसी में नहीं शो करता है, तो वो एप्लीकेशन में जाकर सभी एप्लीकेशन में एक बार चेक कीजिएगा, लेकिन परमिशन मत दीजिएगा कॉन्टेक्ट लिस्ट का। नहीं, कितना लोगों को यहाँ पर सुनने के लिए मिला कि परमिशन नहीं दिए कॉन्टेक्ट लिस्ट का, तब पर भी हमको लोन मिल गया है। कभी फेल्योर हो जाता है ना, कोई ये एप्लीकेशन नहीं ना है, सिक्योरिटी टाइप का एप्लीकेशन नहीं है इनका, फ्रॉड जैसा तो पहले एप्लीकेशन है, हैंग होते रहता है एप्लीकेशन। लेकिन उससे बहुत पोस्ट पर ज्यादा आ रहे हैं। हाँ तो इनका यही हाल है, इनका यही हाल है, तो क्या कीजिएगा। बीच में तो ये मान लो भैया कि 5 अभी बीच में 10-15 दिन, 10 जब 8 लाख बीच में 5 से 10-15 दिन जैसे, तो इनका जो कॉल आ रही थी वो 10-20% थी। अब तो ना अति कर दी, हर टाइम आते रहते हैं, आते रहते हैं ना, फोन भी एक दो घंटे स्विच ऑफ कर देता हूँ। फिर जैसे ऑन करता हूँ तो 6 मिस कॉल, 5 मिस कॉल, 10 मिस कॉल, हाँ, तो ऐसा ही कॉल मैसेज को इग्नोर करते रहिए, समझ गए। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हैरेसमेंट तो करता ही है जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कांटेक्ट भी करेगा, हाँ हाँ कांटेक्ट पर भी करेगा, पर वो अभी नहीं करेगा, एक दो महीने बाद होता है। जब भी करे लेकिन कांटेक्ट पर तो जरूर कॉल करेगा, घुमाएगा एक बार जरूर। सब पर नहीं घुमाता है, उनमें चुन चुन कर देखता है कि इनका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं, उन्हीं पर मतलब कि घुमाता है, सब पर नहीं करता। मेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो 1500 लोगों के नंबर थे। 1500 लोगों को घुमाएगा तो खुद घूम जाएगा। वही ना, 1500 घुमाने में समझ रहे कितना दिन लग जाएगा। पहले तो उसको ये नहीं पता कि फेक है, ये ओरिजिनल नहीं होगा। सही बात है। नहीं तो कोई टेंशन है, समझ गए। कॉल मैसेज आता है ना तो ऐसे ही आप इग्नोर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए तब ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात विचार हो गया पूरा कंप्लीट, आप लोग वीडियो देखिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सबको सारा चीज इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि हम ये एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ही कॉल लगा लगा कर यहाँ पर लोगों से बात विचार करने का कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, किसी ना किसी से बात विचार यहाँ पर हो जाए तो चलिए यहाँ पर अच्छी बात है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट आप लोग जरूर दिखाइएगा, सपोर्ट दिखाने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बताइए, मैसेज किया थे आप? हाँ। तो
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए ये पिताजी के सामने बैठे हैं तो बाद में यहाँ पर कॉल कर सक करते हैं, क्योंकि बिन बताए काफी लोग यही ना होता है, नहीं बताइए घर पर तो खुलकर बात अप नहीं कर पाइएगा, अक्सर छुपाना पड़ेगा। देखिए किससे लोन ले लिए, बजाज से, डमी से, क्रेडिट भी, डीबीएस क्रेडिट, बाप रे बाप कितना लोन है भाई, बहुत ज्यादा लोन है यहाँ पर, कहा ही ना ऐसे साला 5 लाख का ये लोन ले लिए, बताइए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए। आवाज आवाज आपकी कट रही है, बाहर है शायद आप। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ 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 सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए। हाँ सर बोल रहे हैं, हम क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लिए थे। तो सर अभी सर फिर तो ईएमआई दे दिया है, बार पे भी नहीं किया है, लेकिन सर अभी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है सर, दे नहीं पा रहे हैं। तो सर इसका कोई सलूशन है तो बताइए। देखिए कितना का लोन था? 2 लाख का सर। 2 लाख का लोन था। आप अर्बन एरिया में रहते हैं कि गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? शहर में रहते हैं। तो वही है कि देखिए 2 लाख का इतना बड़ा अमाउंट है तो ड्यूज व्यूज लगाएगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो 2 लाख के लिए घर पर भी आ जाएगा, समझ गए रिकवरी एजेंट? जी सर। वही आने तो फोन। हाँ हाँ वही आने के बाद आपको ब्लैकमेल करेगा, हरासमेंट भी करेगा। जी सर हमको फोन किया था तो हम बोले सर ऐसा कैसा है, तो ये मैं आपका कभी चांस नहीं होने दिए, 6 को दिए थे, अभी सर घर का प्रॉब्लम है, सर थोड़ा अभी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो सर हमारी हम अभी 2 महीना सर दे नहीं पाएंगे। तो सर वो लोग बोल रहे हैं ठीक है आपको ईमेल आईडी दे रहा है वहाँ ईमेल मेल कर दीजिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसके बाद आपका पापा का जो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा हॉस्पिटल में एडमिट है ये, तो थोड़ा ये करें मेल कर दीजिए। क्या अभी सर क्या करेंगे, मेल करेंगे कि ऐसे ही छोड़ देंगे? देखिए दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है? जी सर दिक्कत तो है सर, 80,000 रुपया खर्चा हो गया। हाँ तो इसको मेल कर दीजिए एक बार, समझ गए? 2 लाख के लिए लोन है तो ये कोई छोटी रकम नहीं है, समझ गए ना? तो छह तो आठ मैंने आपका 1.5 साल का है ये, 18 महीना का, 6 महीने हम पेमेंट कर दिए। टोटल कितना मांग रहा है? 2 लाख का, 2 लाख का कितना मांग रहा है टोटल ड्यूज के साथ? अभी सर 10 तारीख को ईएमआई डेट था, तो अभी सर फिलहाल 3 दिन हुआ पेमेंट नहीं किए हैं। अच्छा 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 अभी से ज्यादा 2 लाख का रहा, वो 2,30,000 ऐसा सब कुछ मिला के 2,30,000 हो रहा है टोटल 18 महीना में। टोटल 18 महीना में पर मंथ कितना कट रहा होगा? 12,800 समथिंग कुछ सर। 12,800 समथिंग। तो सिविल आपका सिविल कितना था उस टाइम जब लोन ले रहे थे? सर एक बात है, मैंने क्रेडिट भी इतना जल्दी हमको इतना पेमेंट देगा तो हमको पता ही नहीं था उस टाइम सर। वही ना हाँ वही तो पूछ रहे, काफी लोग का यही रहे कि मतलब कि उनको कम मिल गया किसी का ज्यादा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, पहला 20,000 लिया था समझे, तो 20,000 का बाद डायरेक्ट 2 लाख में, उसके बाद इंस्टेंट अकाउंट में घुस गया 2 मिनट के अंदर। तो अभी तो सर एक जगह नौकरी भी करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सर अभी सही में प्रॉब्लम थोड़ा है, पता अभी 80,000 तक खर्चा हो गया। पूजा का टाइम भी है, हम तो बेंगोली है सर, अभी सर ऐसा क्या कहेंगे वही सर, अभी सर मैंने विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी सर हम 2-3 महीना दे ही नहीं पाएंगे सर। अब देखिए यही है कि 2-3 महीना में बहुत ज्यादा आप पर फोन करेगा, हरासमेंट भी करेगा, बहुत ज्यादा हरासमेंट, कॉन्टेक्ट लिस्ट तो कॉल करेगा ही करेगा, घर पर आने का भी डर है, उधर घर पर आएगा। एक्चुअली सर जो एड्रेस दिया हुआ वहाँ पे हम नहीं रहते, घर भेज दिए अलग जगह। अच्छा अच्छा
कहाँ, तो वही वहीं पर आकर घूम कर जाएगा, यही ना करेगा। आएगा तो जरूर, लेकिन वहीं पर घूम कर जाएगा। वही सर सोच रहे क्या करेंगे इसमें। सर आप तो आपका वीडियो एक भी मिस नहीं किया है, कंटिन्यू देखना, पूरा वीडियो है तो सर हम वही सोच रहे हैं सर यदि कुछ सलूशन देगा तो सर से बात करेंगे सर। देखिए पहली बात कि इस सब के उतना टेंशन रहता नहीं है, समझ गया ना। इनका काम ही है ब्लैकमेल करना, हरासमेंट करना, डराना, क्योंकि ये सब अनसिक्योर लोन में आता है। हाँ एक्चुअली सर अमाउंट भी ज्यादा है ना, तो लीगल एक्शन कुछ नहीं लेगा ना सर। ना ना, लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि घर पर आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, यही होगा। 2 लाख हो, 5 लाख हो, अनसिक्योर में लीगल एक्शन नहीं होता है, सिक्योर में लीगल एक्शन होता है, कितना भी पैसा रहे। सिविल यही है, सिविल आपका डाउन हो जाएगा। सर मानी से भी लोन लिए थे समझे सर, अच्छा तो मानी से लोन लिया था पहले 20,000 दिया था, तो 20,000 रिपेमेंट पूरा एक भी बाउंस नहीं किया था, तो सर अभी 50,000 लोन अगला महीना ही दिया है हमको, तो अभी सर फर्स्ट फर्स्ट EMI बाउंस करवा दिया सर, क्या करेंगे पैसा नहीं, ऐसा सिचुएशन हो गया क्या करेंगे सर। नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस यही है ना कि अनसिक्योर में है तो कितना भी बाउंस हो के कोई दिक्कत नहीं होता नहीं है, जो सिक्योर रहता है ना उसमें दिक्कत होता है। आपका बैंक माइनस में जाएगा, बाउंस होएगा ना तो आपका बैंक माइनस में जाएगा। नहीं सर क्रेडिट भी मैं ऑटो डेबिट एक्टिव नहीं किया ना सर, खुद से पेमेंट करते हैं। ओ तो गौर दिक्कत नहीं है। आपको बिना ऑटो डेबिट दे दिया, ताजुब की बात है, नहीं तो कितना लोगों का 20,000 पर ऑटो डेबिट दिया है। क्रेडिट नहीं कीजिएगा सर, सही बोल रहे हैं वही ना। हाँ भी नहीं आओ तो हम तो वही तो मैंने हैरान हो मुझे कैसे दे दिया, हाँ, तो वही सर वही वो सर तो। मैंने भी उसे भी लोन लिया सर सर। हेलो हाँ हाँ बोलिए। अच्छा बोल रहे सर माने भी उसे भी लोन लिया सर, अच्छा माने भी उसे भी लोन लिया था सर, हाँ। तो सर पहले 20,000 लिए थे, तो सर अभी 20,000 रिकमेंड कर दिया, एक भी बाउंस नहीं किए थे, अभी सर 50,000 लोन दिया, अगला महीना ही लिया, लेकिन सर अभी ऐसा सिचुएशन में पेमेंट ही नहीं कर पा रहे सर, पर एक डेट था मनी भी वहां से भी फोन कर रहा है, बोल रहा आपका सिविल इतना अच्छा है आप कंटिन्यू पेमेंट कर सकते हैं, इस बार लोन लेके पहला मंथ ही EMI बाउंस कर दिया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो आपकी परेशान ज्यादा करता हाँ, परेशान देखिए, परेशान तो सब एप्लीकेशन करते हैं। हाँ परेशान तो सब एप्लीकेशन करते हैं। अभी सर हम मैंने ऐसे घबरा के बोल दिए वो लोग मनी व्यू वाले को सर हम 20 तारीख के अंदर दे देंगे, लेकिन सर ऐसा बात है ऐसा अभी तो दे नहीं पाएंगे, क्या करेंगे अभी सर। नहीं तो कोई टेंशन हो ले यहाँ पर बात नहीं है, समझ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका काम ही है हरासमेंट ब्लैकमेलिंग करना। देखिए हम भी जितना एप्लीकेशन से लोन लिए हैं अभी तक हम दिए नहीं है, 10 महीना हो गया, 10वां महीना चल रहा है, आ देंगे भी नहीं। हाँ और एक बात है आपका एम पार्टनर क्या इंस्टा पार्टनर समथिंग बोल के वो एप्लीकेशन था समझे सर, अच्छा तो हम लोन लिए थे वो फ्रॉड एप्लीकेशन वाला हमको तो पता नहीं है, तो हम अप्लाई करके हम ऐप को डिलीट कर दिए, देख रहा रिजेक्ट दिखा दिया, फिर क्या हुआ आधा घंटा बाद देखा अकाउंट में पैसा आ गया 21 समथिंग कुछ आया। हाँ तो फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ सुनिए उसका बाद तो क्या हुआ 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, 5 दिन का बाद फोन आया पाकिस्तान का नंबर से, तो सर हम तो पूरा डर गए क्या करेंगे, वो लोग फोन करके मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट का जितना नंबर है मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड सब हमको इसके साथ पीछे भेज रहा है, तो हम सोच रहे क्या करेंगे, फिर तो हम डायरेक्ट